और उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस को बिना बताए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, सूत्र ऐसी जानकारी बता रहे हैं। उपचुनाव को लेकर दोनों दलों में बात हो रही थी। कांग्रेस को 2 सीट ही देना चाहती है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन 2 सीटों पर जो बात चल रही थी उसी बीच 6 सीटों पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतार दिए हैं। कांग्रेस को बिना बताए उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है। तो उपचुनाव को लेकर दोनों दलों में बात हो ही रही थी, 2 सीट ही देना चाहती है समाजवादी पार्टी, लेकिन इसी बीच 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। और जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, आपको बताते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो उतारे गए हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह के बड़े भाई के पोते करहल से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मुलायम सिंह के बड़े भाई के पोते हैं तेज प्रताप यादव, करहल सीट से इन्हें उम्मीदवार बनाया है समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनावों में। नसीम सोलंकी को सीसामऊ से उम्मीदवार बनाया, पूर्व विधायक